चलिए कुलम नियम को समझते हैं, उसके ट्रिक को जानते हैं कि मात्र आपको चार लाइन याद रखने से पूरा कुलम नियम याद हो जाएगा। तो ऐसे ट्रिक्स आपको इस चैनल पर बहुत सारे मिलेंगे, चाहे आप फिजिक्स के स्टूडेंट हो या केमिस्ट्री के, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको सेकेंडों में याद हो जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले अगर कुलम नियम आपको याद नहीं हो रहा है, और क्योंकि आपको परिभाषा अलग से याद करना पड़ता है, फिर उसको साबित करने के लिए अलग से याद करना पड़ता है, तो वो सब आपको नहीं करना है। बस आपको ये चार लाइन याद रखने हैं, आपको कुलम का नियम याद हो जाएगा। और चार लाइन क्या है कि आवेश को आवेश से, दूरी को दूरी से गुना करो, 4π ε₀ को दूरी के साथ नीचे रखो, और कुलम नियम बल याद करो। बस ये चार लाइन अगर आप याद रखते हैं कुलम बल याद हो जाएगा। कैसे, तो उसको समझ लेते हैं कि कुलम नियम अगर मान लीजिए भूल गए और आपको, लेकिन ये लाइन याद है, अगर कुलम नियम याद नहीं है लेकिन ये चार लाइन याद है, तो इससे कुलम नियम कैसे निकलेगा इसको देखते हैं। कि क्या कर, आवेश को आवेश से और दूरी को दूरी से गुना करो, तो आवेश को आवेश से गुना कर दीजिए, आवेश को क्यू से स्वीकार करते हैं, हमने क्यू गुना क्यू कर दिया। उसके बाद देखिए दूरी को दूरी से गुना करना है, हमने दूरी को दूरी से गुना कर दिया। अब क्या करा है, 4π ε₀ को दूरी के साथ नीचे रखना था, हमने दूरी के साथ इसको नीचे रख दिया। अब देखिए नीचे रखा है तो ऊपर कुछ नहीं तो एक है, और संबंध कुछ नहीं तो गुना का संबंध है, और कुलम नियम किसके लिए होता है, तो बल के लिए होता है, इसलिए हम कर देंगे इसको बल के बराबर। इस तरह से हमको कुलम नियम का सूत्र मिल जाएगा, एफ बराबर 1/4π ε₀ गुना क्यू गुना क्यू बार आर गुना आर। तो ये कुलम का नियम होता है, आपने पढ़ा होगा आर गुना आर आर स्क्वायर, और क्यू गुना क्यू गुना क्यू भी होता है, या आपने पढ़ा होगा क्यू वन गुना क्यू टू। तब दो आवेश है तो एक हो जाएगा, पहला आवेश हो जाएगा एक हो जाएगा दूसरा आवेश। अगर आप क्यू गुना क्यू भी छोड़ देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी तब भी कुलम ही नियम ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है आवेश समान हो, तो समान आवेश में क्यू गुना क्यू हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर क्यू गुना क्यू भर भी छोड़ देते हैं तो आपका नियम गलत होने वाला नहीं है। तो इस तरह आपको कुलम का जो सूत्र याद हो जाएगा, कुलम नियम का। अब इससे आप परिभाषा बना लेंगे, ये तो कॉन्स्टेंट है 1/4π ε₀, ये कॉन्स्टेंट। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको याद रखना है 4π ε₀ 9×10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलम स्क्वायर के बराबर होता है। तो इस तरह से मात्र ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखनी है। उसके बाद आप कुलम का नियम को जो आप कैसे विश्लेषण करेंगे, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट हटाते हैं तो समानुपाती आ जाता है, तो एफ को समानुपाती कीजिए ऊपर वाले के साथ क्यू वन गुना क्यू टू के साथ, फिर f को समानुपाती कीजिए किसके साथ, नीचे वाले के साथ, नीचे में कौन है r गुना r r स्क्वायर। इस तरह से जो ये कुलम के नियम का जो परिभाषा इसको बन जाएगा, f समानुपाती q1 गुना q2, यानी बल जो है आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, और बल जो है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको याद रखना है ऊपर में जो रहेगा समानुपाती, ऊपर में जो रहता है उसके लिए समानुपाती वर्ड यूज करेंगे, और नीचे जो रहेगा उसके लिए हम व्युत्क्रमानुपाती वर्ड यूज करेंगे, व्युत्क्रमानुपाती। तो ऊपर वाले वर्ड के लिए समानुपाती, नीचे वाले के लिए व्युत्क्रमानुपाती। इस तरह से हो जाएगा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, और दूरी के गुणनफल या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह से आपका कुलम नियम का परिभाषा हो जाएगा, और उसके बाद आपको विश्लेषण करना है। तो एफ समानुपाती क्यू वन क्यू वन क्यू वन क्यू ना क्यू टू को समीकरण एक मान लेना है, एफ समानुपाती 1/r² को समीकरण दो मान लेना है, फिर समीकरण एक तथा दो करेंगे, समीकरण एक तथा अगर दो करेंगे तो एक तथा दो से हो जाएगा, और एक तथा दो से हो जाएगा एफ, एफ इसमें भी एफ इसमें भी है तो एफ ए सिंगल में आ जाएगा, और Q1 गुना Q2 ये एक साथ आ जाएगा, एक साथ आएगा तो ये इस तरह आर स्क्वायर हो जाएगा। फिर समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लेंगे, और हमें कांस्टेंट रहना होगा तो कांस्टेंट मान लेते हैं हम K, और Q1 गुना Q2 बटे आर स्क्वायर। फिर प्रयोग से लिख देंगे, प्रयोग से K बराबर मिलता है 1/4π ε₀ इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस तरह से आपका कुलम नियम साबित हो जाएगा। तो इस तरह से अगर ये याद रखते हैं, इससे आपको ये याद रह जाएगा, और ये याद हो गया तो आपको पूरा कुलम नियम भी याद हो जाएगा। बस संकेत याद होना चाहिए कि क्यू क्या है, तो क्यू आवेश है, तो जैसे हम ये याद करेंगे कि आवेश को आवेश से, दूरी को दूरी से गुना करो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आवेश को किससे स्वीकार करते हैं, दूरी को किससे स्वीकार करते हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अगर इतना भी आपको पता नहीं है तो फिर तो साइंस पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है आपको। तो इसलिए कम से कम संकेत तो आपको याद रहने ही चाहिए। इस तरह से आपको कुलम का नियम याद हो जाएगा बड़ी आसानी से, और कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।